आयशा बेटा, कुलसुम इनको वहां रख दो। कहाँ रख दो इसे बेटा? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम जी पीरो। मैंने सोचा कहीं मेरी बेटी मुझसे नाराज ना हो गई हो। मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ आंटी? बेटा वो उस दिन हारिस और मजहर के बीच जो तकरार हुई थी, तो मुझे डर था कि तुम नाराज ना हो गई हो। ये सारे तहाइफ मैंने तुम्हारे लिए लिए थे, लेकिन उस दिन तुम लोग इतनी जल्दी में आ गए कि मैं दे ही नहीं सकी। आपको तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ कैसा, ये सब मैंने बहुत मोहब्बत से लिए हैं। आप बहुत अच्छी हैं आंटी। तुम भी तो बहुत अच्छी हो बेटा। बहुत खुशकिस्मत है दुर्दाना जिसे तुम्हारी जैसी बहू मिली, वरना मेरे नसीब में तो अल्लाह ने किंजा जैसी बहू लिख दी। आंटी मैं मंगवाऊं आपके लिए चाय? नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो बस इस ख्याल से तुम्हारे पास आ गई थी कि कहीं तुम नाराज ना हो। भला इतनी देर तक हम कैसे आपसे नाराज हो सकते हैं? और मेरा वादा है आपसे, हारिस भी देर तक नाराज नहीं रहेंगे। बेटा मेरे घर के लिए भी दुआ करना। जब से किंजा घर में आई है, बरकत तो जैसे उठ सी गई है। मजहर भी जनमुरीद बना उसके आगे पीछे घूमता रहता है। आंटी चले बाहर चलकर बैठते हैं। अरे थोड़ी देर बैठो ना, बात करते हैं। नहीं सब बाहर इंतजार कर रहे होंगे, चले बाहर चलते हैं। हाँ अच्छा अब चलिए। कभी दिल ना टूटे प्यार में।